इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नज़र। आज बेलगाम शहर की मराठियों की तंजीम MES की जानिब से एहतजाजी जुलूस निकालने का ऐलान किया गया था, जिसे लेकर शहर में कुछ तनाव का माहौल बनने के इम्कान का शक जाहिर किया जा रहा था, पर आज MES की जानिब से किसी तरह का एहतजाज ना करने का फैसला लिया गया। MES कायद दीपक दलवी, शिवसेना बेलगाम सदर प्रकाश शिरोडकर, युवा कायद शुभम शेड़के और दिगर जिम्मेदारान ने एहतजाज को मुलतवी करने का ऐलान किया। वैसे भी DCP विक्रम आमटे ने किसी तरह के एहतजाज की इजाजत पुलिस की तरफ से ना देने का ऐलान पहले ही किया था। समिति लीडरों ने इसे तस्लीम करते हुए साफियों के सामने एहतजाज रद्द करने की बात कही। वही दूसरी ओर बेलगाम शहर शिवसेना ने समिति के फैसले से इत्तफाक रखा तो महाराष्ट्र शिवसेना की जानिब से बेलगाम शहर में दाखिल होने की कोशिश की गई, जिस पर पुलिस ने उन्हें कर्नाटक महाराष्ट्र सरहद पर शिनोली गांव में रोका। शिवसेना कोल्हापुर की जानिब से कसीर तादाद में लोग जमा होकर कारपोरेशन के सामने लगाए गए कन्नड़ परचम की जगह भगवा परचम लगाने का ऐलान इन्होंने किया। बेलगाम पुलिस के साथ कुछ देर तक बहस व मुबासा हुआ, लिहाजा बेलगाम शहर में शिवसेना महाराष्ट्र के अफराद दाखिल न हो सके। किसी तरह की गिरफ्तारी की कोई खबर हासिल नहीं है। DCP बेलगाम ने कहा कि अगर कोई एहतजाज की कोशिश करेगा उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा कुछ दिनों से परचम को लेकर शहर में तनाव का माहौल था, आज बिना किसी नतीजे के ही खामोश हो गया। महाराष्ट्र एकीकरण समिति से जब पूछा गया कि क्या पुलिस कार्रवाई से आप डर गए, तो उन्होंने इनकार करते हुए कहा कि पुलिस ने हमें मोहलत दी है और पुलिस अफसरों की बात का एहतराम करना हमारी जिम्मेदारी है, लिहाजा मोर्चा यानी एहतजाज को रद्द कर दिया गया। ऐसा समिति कायद दीपक दलवी ने बताया। जो भी हो, पर आज समिति की जानिब से लिया गया फैसला एक तरह से एक कदम पीछे के तौर पर ही देखा जा रहा है। वाज़ह रहे कि शहर के अमन अमा के लिए समिति की तरफ से उठाया गया कदम भी सराहनीय ही कहा जा सकता है, भले ही कुछ लोगों को इस पर एतराज हो सकता है। वैसे सभी जानते हैं कि सिर्फ भाजपा को ही यह शर्फ हासिल हुआ है कि इन्हें किसी तरह का कोरोना नहीं हो सकता, भले ही वो लाखों की भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं। एक बार फिर बेलगाम शहर में अमित शाह की रैली में लाखों लोगों को जमा किया गया, पर RTI कारकुन भीमप्पा गड़द ने कोरोना गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी को लेकर वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर आला येडियुरप्पा से लेकर तमाम भाजपा कायदों पर मुकदमा दर्ज कराने का मुतालबा पेश किया। पुलिस कमिश्नर त्यागराजन को अर्जी के जरिए मुतालबा पेश करते हुए कहा कि कोरोना आलमी वबा से पूरा मुल्क जूझ रहा है, लिहाजा लाखों की भीड़ इकट्ठा सिर्फ सियासी मुफाद हासिल करने के लिए की जाती है, जल्द से जल्द तमाम कैदों पर मुकदमा दर्ज किया जाए, ऐसा भीमप्पा गड़द ने कहा। यह भी सच है कि आज भी मोबाइल कॉलर ट्यून और दीगर जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग सैनिटाइजर का इस्तेमाल बड़ी सख्ती से करने की हिदायत बार बार दी जाती है, पर भाजपा या दिगर सियासी लीडरों को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं रहती। यानी कानून सिर्फ आवाम के लिए और कायदों को कुछ नहीं, लिहाजा आवाम में भी इस बात को लेकर खासी नाराजगी का इजहार किया गया कि वजीर दाखला या वजीर आजम या फिर वजीर आला क्यों अमल नहीं करते और इन पर क्यों कार्रवाई नहीं की जाती। कोरोना वैक्सीन लगवाने से 4 की मौत, सेहत महकमा का इनकार। 3 की मौत दिल का दौरा पड़ने से तो 1 की जान जा रही है। कोरोना आलमी वबा को लेकर एक बार फिर फिक्र का माहौल देखा जा रहा है। पहले बीमारी से कैसे निजात पाए जाने की जद्दोजहद तो कुछ लोग कोरोना को साजिश भी कहने से नहीं चुके, आज जब कोरोना की वैक्सीन आई है तो इस पर तरह तरह की अफवाहें गश्त कर रही है। हासिल इत्तला के मुताबिक तकरीबन 550 के करीब लोगों के वो वैक्सीन लगवाने के बाद साइड इफेक्ट्स नजर आए, जिसमें हल्का बुखार, सरदर्द, उल्टी जैसे असरात दिखाई दिए। सेहत महकमा का कहना है कि इस तरह के मामूली असर नजर आना कोई खतरनाक नहीं है, पर जिस वैक्सीन को लेकर जितना इंतजार किया जा रहा था उतना ही लोगों में वैक्सीन को लेकर शको शुबात पैदा किए जा रहे हैं। भारत की सेहत महकमा ने वैक्सीन के बारे में गलत अफवाहें फैलाने की बात कही है और बेदारी मुहिम के लिए पोस्टर्स भी बनवाए जाए। 4 लोगों की मौत पर सेहत महकमा ने कहा कि वैक्सीन देने के बाद दिल का दौरा पड़ने से 3 की मौत हुई और 1 की जान जारी है। 4 में मुरादाबाद से 1
और कर्नाटक बेल्लारी और शिमोगा से भी एक अफराद है। आखिर क्या बात है कि लोग वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं। वैसे 3.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को भारत में वैक्सीन लगाई गई। भारत एक घनी आबादी वाला मुल्क है, अगर इसे दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कहा जाए तो गलत ना होगा, पर उम्मीद और खौफ के दरमियान वैक्सीन देखी जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि वैक्सीन आने से पहले जिस तरह का जोश और खरोच देखा जा रहा था, अब आवाम में वो नजर नहीं आ रहा। कुछ जगहों पर लोग टीका लगवाने से भी कतरा रहे हैं। लिहाजा मरकजी हुकूमत देश भर में जिस तरह धीमा जवाब दिया जा रहा है, बेदारी मुहिम के लिए पोस्टर्स बनवाए जा रहे हैं। सवाल तो आवाम की जानिब से ये भी उठाए जा रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या योगी आदित्यनाथ जैसे दिगर सियासी लीडर क्यों टीका नहीं लगवा रहे? सफाई मुलाजमीन के साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स को तो दी जा रही है, पर सियासी नेता इससे बचते नजर आ रहे हैं। क्या मोदी, योगी, शाह देश के लिए लड़ने वाले सफे अव्वल के कारकुन नहीं है? लिहाजा आवाम को वैक्सीन पर एतमाद कायम करना है तो पहले इन सियासी लीडरों को और अडानी अम्बानी फिल्मी सितारे इन्हें दी जाए। गरीब की जिंदगी से इनकी जिंदगी कीमती होती है और आवाम को भरोसा भी हो जाएगा। अब देखना है कि आवाम के मशवरे पर मोदी हुकूमत कितना अमल करती है। एक और इत्तला ये भी हासिल हुई है कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगी हुई है। इमारत को काफी नुकसान भी हुआ है और 5 लोगों की जलकर मौत हुई है। वाज रहे कि सीरम इंस्टीट्यूट जहां कोविशील्ड बनती है, दुनिया की सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के तौर पर भी देखा जाता है। जांच जारी है। आखिर आग कैसे लगी मालूम नहीं हुआ। अब जब वैक्सीन लगाने का काम यानी टीकाकरण जारी है तब अचानक आग लगना ठीक नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।